पिछले 7 दिसंबर 2016 को जो हमने रैली की थी नागौर के अंदर, हुंकार रैली के नाम से हमने शुरुआत करी थी, और उसके मुख्य जो मुद्दे थे हमारे, उसमें हमने बाड़मेर की रिफाइनरी के मुद्दे को भी जोर शोर से लिया था। आपके पास उस बात का वो हमारा पड़ा होगा आपने पूरा, और इस रिफाइनरी की मांग को राजस्थान की विधानसभा में कई बार मैंने उठाया। ये मेरा इलाका नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि अगर रिफाइनरी बाड़मेर के अंदर जल्दी शुरू हो जाती, राजनीति की भेंट नहीं चढ़ती, तो लाखों लोगों को नया रोजगार मिलता और यहाँ बाड़मेर एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता। तो एक तो हमारा रिफाइनरी का मुद्दा था, सरकार ने रिफाइनरी की घोषणा तो कर दी, लेकिन ये राजनीति की भेंट चढ़ गया। जो MOU हुए उस हिसाब से रिफाइनरी, उस नमक का जो इलाका है वहाँ रिफाइनरी बनाने जा रहे, तो एक तो नमक उद्योग उजड़ जाएगा। सरकार को इस पर पुनः विचार करके बड़ी क्षमता की रिफाइनरी, ये जो रिफाइनरी लेके आ रहे हैं छोटी, उसको छोटा कर दिया इन्होंने, इसका बड़ी क्षमता की रिफाइनरी सरकार को लगानी चाहिए। ये पहली मांग तो हमारी रहेगी इसके अंदर। और दूसरा, किसान का 82,000 करोड़ का जो पूरा कर्जा है, जब दिल्ली के अंदर 15 साल में धन्ना सेठों का 2 से 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ने माफ किया है, हम चाहते हैं कि राजस्थान के किसान को, अगर राजस्थान को रिसर्जेंट करना चाहती है बीजेपी सरकार, तो बातों से रिसर्जेंट नहीं होगा, किसान को मजबूत करना होगा। और किसान मजबूत होगा 2-3 बातों से। एक तो इनका संपूर्ण कर्जा जो 82,000 करोड़ का है, ये संपूर्ण कर्जा माफ करें, हमारी मांग है संपूर्ण कर्जा माफी। 50,000 के कर्जे की हमने कभी बात नहीं करी थी कि 50,000 का कर्जा माफ करो। सरकार ने बीच में 50,000 के कर्ज माफ करने की बात करके भी सरकार पलटी खा गई। उसके अंदर हमारी मांग हमेशा ये रही कि संपूर्ण किसान का पूरा कर्जा एक बार माफ हो। और दूसरी हमारी रहेगी, जब बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान की स्थिति ठीक है और आगे ज्यादा ठीक होगी 2-3 साल के अंदर, तो किसान को 3-4 रुपए यूनिट में बिजली सरकार खरीदती है, कई बार महंगी बिजली भी खरीदनी पड़ती है, और 90 पैसे यूनिट के अंदर सरकार बिजली देती है। हम चाहते हैं कि कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब की तरह सब्सिडी देके और ये 90 पैसा भी नहीं लिया जाए, फ्री बिजली राजस्थान के किसान को मिले। अगर राजस्थान को रिसर्जेंट करना है तो किसान को मजबूत करना होगा, पूरा कर्जा माफ, फ्री बिजली, और 4 लाख जो खाली पद है उन 4 लाख खाली पदों को सरकार भरे। 15 लाख रोजगार की बात वसुंधरा सरकार ने करी थी, लेकिन अब 35,000 टीचर्स की वैकेंसी निकाली, वो भी कोर्ट के अंदर अटक जाएगी। विद्यार्थी मित्रों का मामला, संविदा कर्मियों को नियमित करने की जो बात थी, सरकार ने 4 साल के अंदर सिवाय धोखे के राजस्थान के जवान को कुछ भी नहीं दिया, और सैकड़ों जवानों ने राजस्थान की सड़कों पर आत्महत्या करी है या फांसी के फंदे पर लटक गए, और या बेचारे कोई न कोई काम, रोजगार नहीं मिलता तो किसी गैंग के अंदर चले गए, अपराध की दुनिया में चले गए, बंदूक उठा ली। ये सब रोजगार, बेरोजगारी की जो समस्या, ये सबसे बड़ा कारण है, और इसमें दोनों सरकारें बेरोजगारी की समस्या को मिटाने के लिए विफल रही है। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने रोजगार के नए साधन सृजित नहीं किए। रिसर्जन राजस्थान 2007 में भी कराया था, इस बार भी कराया, कई सेठों को बुलाया, पिकनिक मनवा ली, कभी जैसलमेर ले गए, कभी और कोई दौरे दिखा दिए, कभी पहाड़ दिखा दिए, और उनको वापस भेजा, लेकिन MOU के बाद निवेश 1 रुपए का भी राजस्थान के अंदर नहीं हुआ। तो ये हमारा रहेगा कि 4 लाख जो खाली पद है वो भरे जाए। और दूसरा, जब तक रोजगार आप नहीं देते हो, तो अब हरियाणा की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता शुरू किया है, यूपी की सरकार पहले बेरोजगारी भत्ता दे दी थी, तो हम चाहते हैं कि 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता पढ़ने वाले छात्रों को जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उनको 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता सरकार दे। ये भी हमारी मुख्य मांग नागौर के अंदर थी। और ये जो बाड़मेर के अंदर हम हुंकार रैली पार्ट टू करने जा रहे हैं, ये हुंकार रैली पार्ट टू, पार्ट थर्ड होगी बीकानेर के अंदर, और पार्ट टू में ये मैंने जो मुद्दा बताया मेरा थर्ड था, और चौथा मुद्दा था हमारा कि सड़कों से टोल नाके हटे। जिस तरह गुजरात मॉडल की बात हमेशा बीजेपी सरकार करती है, गुजरात मॉडल, मोदी जी, तो वहां तो प्राइवेट वाहनों को टोल मुक्त कर दिया गुजरात के अंदर, तो हम चाहते हैं कि जब रोड टैक्स ले रहे हो तो टोल टैक्स किस बात कर ले रहे हो, इसलिए टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। ये भी हमारा मुद्दा रहेगा इस रैली के अंदर। एक, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की तर्ज पे मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, जहां सीधी शिकायत आप मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, MP, मंत्री की कर सको, और उत्तराखंड के अंदर ऐसे कई लोगों की जांचें भी, जेल में भी गए,
तो मजबूत लोकायुक्त भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए बने, जिसको लेकर दिल्ली में भी बहुत बड़ा आंदोलन उस समय चला था। और एक हम चाहते हैं कि अपराध भयमुक्त वातावरण राजस्थान को मिले। कहां से निवेश होगा बताओ, लोग तो यहां आने से डरते हैं। सबसे ज्यादा गैंगवार की घटनाएं हो रही है, सबसे ज्यादा अपराधी राजस्थान के अंदर है। राजस्थान सुराज तो राजस्थान में आया नहीं, वसुंधरा से कुराज राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी लेके आ गई। एक नंबर पे अपराध में राजस्थान एक नंबर पे आ गया, अन्य स्टेट को छोड़ के। पहले बिहार उत्तर प्रदेश उनके नंबर आते थे, और नक्सली जो इलाके थे उनके अंदर ज्यादा झगड़े होते थे, लेकिन आज राजस्थान के अंदर मर्डर होना तो आम बात है। स्कूल और कॉलेज के अंदर लड़के कट्टा पिस्टल लिए फिरते हैं राजस्थान के अंदर। तो इस राजस्थान को अपराध मुक्त भयमुक्त बनाएं। हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले तो वो भयमुक्त उसके अंदर सांस ले सके, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहते हैं। आज हार्डकोर क्रिमिनल हाई सिक्योरिटी जेल से सुपारी देते हैं। जोधपुर कमिश्नरेट फेल हो गया, जयपुर कमिश्नरेट फेल हो गया, और जयपुर में वही कमिश्नर है जो अशोक गहलोत का खास हुआ करता था संजय अग्रवाल, उसकी पत्नी को लगा दिया, आईजी को अजमेर रेंज दे दी, दोनों ने दो रेंजों का कबाड़ा कर दिया। और जहां भी आपने देखे वही अफसर है जो कांग्रेस के राज के अंदर लगे हुए थे, वही वापिस इस राज में लगे हुए। तो ये मिला जुली का खेल हमें खत्म करना, गहलोत और वसुंधरा का जो गठजोड़ है इसको इस बार हमें राजस्थान के अंदर तोड़ना है। नई ताकत हम राजस्थान के अंदर खड़ी करेंगे, और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं, और आप भी मुझे पूछते आए हो कि नई ताकत कब करोगे, तो इसमें राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। हमें एक बार राजस्थान के प्रत्येक जिले और संभाग में पहुंचने में टाइम लगेगा। मैं तो लगातार 4 साल से इस सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूं, और विपक्ष की भूमिका भी राजस्थान में अगर कोई निभा रहा है तो आप ये सोच लो कि बाड़मेर से लेकर धौलपुर तक के मुद्दे, चाहे वो किसी भी जाति पर अन्याय हुआ, मेरे पास अगर कोई मामला आया अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, रोजगार के मामले, कानून व्यवस्था के मामले, और खान घोटाले और बजरी घोटाले के अंदर मुख्यमंत्री के बेटे तक का नाम आया, मुख्यमंत्री का नाम आया, तो भी हनुमान बेनीवाल ने सबसे ज्यादा आरोप लगाए, लड़ाई लड़ी। अब जांच कराना मेरे हाथ के अंदर नहीं है। जांच कराने की स्थिति में तो हम जब होंगे, जब हमारी खुद की सरकार होगी या सरकार के अंदर इस पोजिशन में होंगे, तो फिर जांच भी करा देंगे और इनको जेल के अंदर भी डाल देंगे। इसके लिए राजस्थान में परिवर्तन की आवश्यकता है। 70 साल की जो व्यवस्था है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इसको हम बदलने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का जवान हमारे साथ खड़ा है, और जवान साथ खड़ा है तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर इस बार बदलाव आएगा। और बाड़मेर की रैली के अंदर आप देखना ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा कि दोनों पार्टियों के नेताओं की नींद उड़ जाएगी राजस्थान के अंदर, इस जिले के नेताओं की। तो हम बाड़मेर के अंदर वो करें, क्योंकि हमारा यही था, नागौर से बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर। अभी हम सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अभी हमारा मकसद है किसान को मजबूत करें, जवान को रोजगार दें, कानून व्यवस्था ठीक हो, भ्रष्टाचार का खात्मा हो। अभी हम आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं राजस्थान की सड़कों पे। और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी कि अब हमारी लड़ाई सरकार मान नहीं रही है, तो हमें जो करना है वो फरवरी लास्ट में, मार्च में नई पार्टी की घोषणा राजस्थान के अंदर जयपुर की बड़ी रैली से करेंगे। बाड़मेर के जो स्थानीय मुद्दे और जैसे नर्मदा नहर का आपका पानी, इसको सरकार को आगे लाना चाहिए, जैसे और सिंचित क्षेत्र बढ़े। नदी नाले जोड़ने की बात पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से चल रही है, लेकिन नदी नाले अभी राजस्थान के अंदर जुड़े नहीं। राजस्थान में तो अभी पीने का पानी भी नहीं, आपके पीने के पानी की जो योजना है वो भी अदर जूल के अंदर बाड़मेर की लटकी हुई है। कुछ आपके जैसे और मामले या सीमावर्ती क्षेत्रों के जो मामले हैं, घुसपैठ के दूसरे इलाके। और एक हमने हमेशा एक चीज की मांग करी है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जहां एक अलग से मापदंड है विशेष राज्य के लिए। हमारा यहाँ ट्राइबल बेल्ट है, सारी संस्कृति राजस्थान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान और सीमावर्ती इलाका भी हमारा जैसलमेर बाड़मेर के अंदर हो गया। दूसरे जितने भी मापदंड पूरे करने चाहिए वो राजस्थान सारे मापदंड पूरे करता है, उसके बावजूद भी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार दोनों पार्टियों ने किया और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अगर एक बार विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिल जाता तो निश्चित रूप से अतिरिक्त बजट दिल्ली की सरकार से हम लेते और राजस्थान विकास के मामले में आगे होता। 7 जनवरी 2018 को बाड़मेर के अंदर हुंकार रैली पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, उसकी संख्या नागौर की संख्या से भी बड़ी होगी। 5 लाख से ज्यादा राजस्थान का जवान और किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बाड़मेर पहुंचेगा। स्थान का चयन हम 1-2 दिन के अंदर प्रशासन से बात करके कर लेंगे, क्योंकि 5 लाख के लिए हमें बहुत बड़ी जगह